जानी बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ ने पहला संगे मेल अबूर कर लिया। पीटीआई के असद कैसर 176 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब हो गए, जबकि खुर्शीद शाह को 146 वोट मिले। कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर बन गए। आपको बताएं कि उन्होंने 183 वोट हासिल किए हैं। कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ ने पहला संगे मेल अबूर कर लिया। अयाज सादी की सदारत में कौमी असेंबली का इजलास हुआ, जिसका आगाज कौमी तराना से हुआ। तमाम अरकान ने बसद एहतराम खड़े होकर कौमी तराना सुना। इसके बाद तलावत की गई और उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया गया। कौमी असेंबली में तब्दीली की हवा चल पड़ी। अयाज सादिक साबक स्पीकर हो गए। खिलाड़ी ने ऐवान की कमान संभाल ली। कौमी असेंबली के इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया गया। पहले मरहले में असद कैसर और खुर्शीद शाह में जोड़ पड़ा। असद कैसर स्पीकर कौमी असेंबली मुंतखब हो गए। असद कैसर ने 176 और खुर्शीद शाह ने 146 वोट हासिल किए। पोल किए गए 330 में से 322 वोट मंजूर, जबकि 8 मुस्तरद हुए। दूसरे मरहले में डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया गया। तहरीक इंसाफ के कासम सूरी 183 वोट लेकर कामयाब करार पाए। अपोजिशन के उम्मीदवार असद महमूद को 144 वोट मिले। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से किया गया। इंतखाब के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने अपने ओहदों का हलफ उठाया।